आज हम सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनकी पत्नी डिंपल का एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतने शरीफ से दिखने वाले राजेश खन्ना आखिर इतना गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरबों की संपत्ति के मालिक राजेश खन्ना ने अपनी ही बीवी डिंपल कपाड़िया को ठेंगा दिखाते हुए लात मारकर घर से बेदखल कर दिया था। वो भी केवल इसलिए क्योंकि डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना की हवस को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाती थी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजेश खन्ना के नाजायज संबंधों और डिंपल की सेक्स कमजोरी का वो शर्मनाक राज खोलने से पहले आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने साल 1969 में फिल्म आराधना की सफलता से 1971 तक लगातार 15 हिट फिल्मों का जो रिकॉर्ड बनाया उसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। फिल्म आखिरी खत से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुपरस्टार राजेश खन्ना की लोकप्रियता का ये आलम रहा कि ऊपर आका और नीचे काका की ही चर्चा बॉलीवुड में होती रही और काका उस दौर में अपनी फिल्मों की बदौलत अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए। दोस्तों, फिल्म बॉबी के सेट पर राजेश खन्ना और डिंपल की मुलाकात हुई थी। डिंपल राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। राजेश खन्ना को डिंपल कपाड़िया इतनी पसंद आई कि मात्र 4 दिनों में ही ये दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। उस वक्त डिंपल मात्र 15.5 साल की थी और राजेश 30 साल के। राजेश खन्ना के सपनों में खोई डिंपल के पास उन्हें मना करने का कोई भी कारण नहीं था, पर राजेश खन्ना ने एक शर्त जरूर रखी थी कि शादी के बाद डिंपल फिल्मों से दूर हो जाएंगी। लेकिन राजेश से शादी के बाद जब डिंपल की बॉबी रिलीज हुई तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिंपल रातों रात सुपरस्टार बन गई। तब इनका फिल्मों के प्रति फिर से मोह जग गया और डिंपल आगे भी काम करना चाहती थी। संभव है कि यहीं से इन दोनों की अनबन की शुरुआत हो गई। इधर कई फ्लॉप फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने फिल्म सौतन में कमबैक किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राजेश खन्ना और टीना मुनीम एक दूसरे के करीब आ गए और डिंपल कपाड़िया के लिए उनका गुस्सा बढ़ता गया। एक बार डिंपल और राजेश शूटिंग के सिलसिले में मॉरिशस में थे। उन्हीं दिनों कई बार डिंपल ने अपनी आंखों से देखा कि राजेश टीना मुनीम के साथ रोमांस में सभी हदों को पार कर रहे हैं, तो वे बिना किसी को कुछ बताए मुंबई वापस आ गई। आते आते ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर डिंपल ने कुछ लिखा हुआ छोड़ दिया था, आई लव यू गुड बाय। गुस्से में इतनी बड़ी बात को राजेश खन्ना ने भी हल्के में ले लिया और पहले की तरह टीना मुनीम के साथ शूटिंग करते रहे। हालांकि उसके बाद डिंपल उनके घर आशीर्वाद में कभी नहीं लौटी। डिंपल से अलग हो जाने के बावजूद राजेश खन्ना ने उन्हें कभी तलाक तो नहीं दिया, पर अपने ईगो व स्वभाव के चलते उन्होंने अपनी संपत्ति से बेदखल जरूर कर दिया। इस मामले पर हाई कोर्ट तक बहस हुई। बेटी ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार, खास दोस्तों और फैमिली डॉक्टर दिलीप के सामने काका की वसीयत पड़ी गई, जिसमें यह सामने आया कि डिंपल को संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा। राजेश खन्ना करीब 1000 करोड़ की संपत्ति बेटी ट्विंकल खन्ना व रिंकी खन्ना के नाम कर गए थे। तो दोस्तों, राजेश खन्ना के इस फैसले के बारे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।